राधे राधे बेटे तेरे लिए खिचड़ी बना दूं? अम्मा भूख ना। देख रहे जी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब कुछ खाएगा नहीं तो दवाई कैसे असर करेगी? अरे राधा बेटा, अम्मा ठीक कह रही है, अगर कुछ खाओ पियोगे नहीं तो जल्दी से ठीक कैसे होगे? मैं देखती हूँ। अरे नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते भाभी। आइए सर, आइए। अरे राधे, देख बेटा कौन आया। नहीं नहीं, आराम करो तुम, जितना आराम करोगे उतनी जल्दी ठीक भी हो जाओगे। नमस्ते नमस्ते शास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, आपको ये बेटा कमाल का हीरो है, इसने जो किया बस यही कर सकता था। देखिए सर, क्या हाल कर लिया इसने अपना। खिलाड़ी का दिमाग जो है वो अलग ढंग से काम करता है। लेकिन अपनी सेहत के बारे में तो सोचना चाहिए। अम्मा सोचा तो था। क्या खाक सोचा था? सोचता तो ऐसे ना दौड़ता। देखो, माँ का सोचना बिल्कुल सही होता है, समझे? सर, ये सारी मेरी ही गलती है, अगर मैं यहाँ होता ना तो ऐसा कुछ ना होता। शास्त्री जी, बच्चे तो बच्चे होते, उनमें अगर ये दीवाना बनना होता ना तो हमारी ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन राधे, अब बहुत हुआ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सर मैं तो ठीक हो गया हूँ, माई ना मानते। तुम ठीक हो जाओगे ना तो ये भी मान जाएगी, और अगर ये ना माने तो सिर्फ इतना कहिए कि राधे बेटे जल्दी से ठीक हो जाओ वरना आयशा आएगी बैडमिंटन रैकेट लेकर। शशि सर आपसे बात करनी। हाँ, हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, समझे? शास्त्री जी, राधे हमारे बहुत अजीज शागिर्द थे और पूरे स्कूल का चाहता है, इसलिए सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ठीक हो जाए। डॉक्टर से बात की है, देखो क्या होता है। ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, देखो कब हो पाता। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा। शशि जी, राधे हमारा भी तो बेटा है, इसलिए अगर उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिए, हम थोड़ी सी भी मदद कर पाए तो बेहद खुशी होगी। अनिल सर, आपने इतना ही पूछ लिया, बहुत बड़ा एहसान है आपका, पर ना आजकल बहुत अकेला महसूस करता। शास्त्री जी, आदमी अपने आप को अकेला तब तक महसूस करेगा जब तक वो अपना हाथ किसी के कंधे पर ना रखती, जब तक किसी का हाथ उसके कंधे पर ना। यही राज है इंसान के इंसान होने का।
कीप इट अप, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम, वेरी गुड। थैंक यू मैम। जैन मैम, जैन मैम, आओ 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 आओ। बहुत बहुत बधाई हो तुम सबको, GIC का नाम रोशन कर दिया। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अब तुम सब ने इतनी मेहनत की है तो तुम्हें इसका इनाम भी मिलना चाहिए। नहीं, नाम जी मैम, इसलिए मैं तुम सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। अली, ये तुम्हारे लिए, गोल्ड मेडल जीता है तुम सबने। उम्मीद रखती हूँ कि अपनी शख्सियत और अपने मन को गोल्ड की तरह, यानी कि सोने की तरह हमेशा चमकता हुआ रखोगे। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आयशा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। समीर, ये तुम्हारे लिए। मैम, मैंने तो सिल्वर मेडल ही जीता है। समीर, जीतने वाले पदक की कभी कोई पैसों से कीमत कर सकता है क्या? नहीं मैम। कभी किसी को ये कहते सुना है कि गोल्ड मेडल बहुत महंगा है, सिल्वर सस्ता और ब्रॉन्ज की कोई कीमत नहीं? नहीं मैम, ऐसे तो कोई कह नहीं सके। तो फिर जीतने वाले में फर्क कैसा? कोशिश तो सभी करते हैं, कभी कभी किसी की कोशिश का नतीजा बहुत अच्छा निकलता है, किसी का थोड़ा कम, बस यही फर्क है। और हाँ, जब बड़े कुछ दे रहे हो तो छोटों को कभी मना नहीं करना चाहिए, बस लपक के ले लेना चाहिए। थैंक यू मैम, कीप इट अप। रंजना, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। समीर, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जब भी तुम राधे से मिलो तो उसे कहना कि उसका गिफ्ट मेरे पास रखा है, मैं अपने हाथों से उसे देना चाहती हूँ, जब भी वो स्कूल ठीक होकर आएगा मैं उसे ये दे दूंगी। जी मैम। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द अच्छा हो जाएगा। कीप इट अप ऑल ऑफ यू। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम, वेलकम, कीप इट अप, कीप इट अप। यार, कभी सोचा ही नहीं था कि अपने किसी दोस्त को इस हालत में भी देखूंगी। पता ही नहीं चला राधे राधे को इतनी बड़ी बीमारी है। हाँ, ये तो है। वो हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, उसे देखकर लगता ही ना कि उसे कोई इतना दुख भी हो सके। तभी तो हम लोगों को बताना चला कि उसे हुआ क्या है। राधे यार, राधे जो हमेशा खुश रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है, मुस्कुराता रहता है, दूसरों के चेहरे पर कभी तकलीफ नहीं देख सकता, उसके साथ अल्लाह मियां ने क्यों ऐसा किया यार? ये तो ना पता ऐसा, लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है अल्लाह मियां भी उसे ही दुख दे है जो उसे झेल सके। अच्छा नहीं किया ऊपर वाले ने, ये बहुत ही बहुत गलत किया। उसके खेल निराले, वो कब क्या करेगा कुछ पता ना चलता। लेकिन देखना तुम, मेरा दिल कहे ऊपर वाला राधे को कुछ होने ना देगा, सब ठीक कर देगा वो, तुम देखना। ना करे ऐसा ही हो, मम्मी को भी बहुत फिक्र हो रही थी राधे की, कह रही थी मिलने जाएंगे हॉस्पिटल। अच्छा, मेरी मम्मी को भी ले जाएंगी? मम्मी को भी बहुत चिंता हो रही थी राधे की, वो भी जानना चाह रही थी उससे मिलने के लिए। ठीक है, मैं कह दूंगी अम्मी से। चलो, अब तुम परेशान ना हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह में सब ठीक कर देंगे, कुछ ना हो राधे को, देखना इंशाल्लाह।
जी सर। सर आपने हम लोगों को बुलाया। हाँ बच्चों, आप लोगों का शुक्रिया अदा करिए। सर आप क्यों शुक्रिया बोलना चाहते हैं? सर भाई, जोनल में इतना अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने तो मुबारकबाद तो बनती है। सर मुबारकबाद तो सर आपके लिए। सर सर उसके लिए तो हम लोगों को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने इतनी प्रैक्टिस कराई तभी तो हम लोग इतने सारे मेडल लेकर आए। नहीं बच्चों, ये तुम लोगों की मेहनत है जो रंग लाई है। इस साल मैं रिटायर होने वाला हूँ, ये मेरी आखिरी प्रतियोगिता थी जिसको तुमने यादगार बना दिया। CIC में मेडल तो कभी कभार कोई ब्रॉन्ज मेडल वगैरह आ गया हो तो, लेकिन बच्चों तुमने इस साल को बहुत यादगार बना दिया है। ना सिर्फ इतने सारे मेडल जीते बल्कि बेस्ट स्कूल की ट्रॉफी भी तुम लोग लेके आए। बच्चों तुमने मेरी रिटायरमेंट के साल को यादगार बना दिया। मेरे कार्यकाल में इतना खुशी का मौका कभी नहीं आया था। मैं किस तरह से तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूं? मुझे सचमुच तुम पर बहुत गर्व है और विशेष तौर पर राधे, राधे जिसने अपनी चांद तक की परवाह नहीं करी और दौड़ गया। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू वेरी मच। राधे ले बेटे कुछ खा ले। मां जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊं तो खिला खिला के मोटा कर देगी ना मुझे। तूने देखा अपने आपको शीशे में, कितना कमजोर दिखा है तू, और तू मेरी बात कोई सुनता ही ना है। अच्छा खा लेता हूँ। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते बेटा। आंटी जी बिल्कुल ठीक है ना आप? इसे ना खूब खिलाइए ताकि जल्दी से अच्छा हो जाए और दौड़ने भागने लग जाए। जब तुम सारे दोस्त इकट्ठे होते हो ना तो ये खूब खुश होता है और थोड़ा बहुत खा पी भी लेता है। ये तो है आंटी जी, ये तो बात है। और आज इसलिए मैं इसके लिए एक नया दोस्त लेके आया हूँ। कौन है? आ जा। माँ, करण। अच्छा नमस्ते बेटा। चलो तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। आंटी आंटी पकौड़े बना दो, पकौड़े। चलो पकौड़े बनाते हैं। यार तुम बाहर ही खड़े थे, तू पागल है? अमीर जाना तेरे को? बैठ बैठो ना, तुम बैठो। अरे वो दे रहा था मैं, क्या क्या बोल रहे हैं? सुपराइज क्या क्या होता है? सरप्राइज। सरप्राइज तो जाने है। लेकिन ये चीटिंग है यार। क्या उसको तू मुझे तुम, नॉट फेयर ना। चल ठीक है ले सेब का। थैंक्स। तबीयत कैसी तेरी? ठीक है। तुम लोगों से क्या छुपा बैठा है, सब सामने तो है। तो जल्दी ठीक हो जा, तू ठीक हो जाएगा ना, हम बड़ी बड़ी पार्टी करेंगे। अच्छा हाँ, और पार्टी में अरेंज करूँगा लेविश, सब दोस्त होंगे उसमें बस। अरे नहीं यार, तुम लोग तो खामखाई परेशान हो रहे हो। अरे परेशान तो अब हो रहे हैं ना, जब तू बीमार है। तू ठीक हो जाएगा ना तो बनेगी बात। बस एक काम और जो मुझे करना है। वो क्या? टॉप सीक्रेट है? कुछ नहीं। क्या लड़ता था वो मकसूद साहब? अस्सलाम वालेकुम। संभल साहब, संभल साहब। अरे वाह वाह साहब, मैं बस आपके पास आ ही रहा था। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो,
आपका अली जो है ना मुरादाबाद जाकर मोहम्मद अली बन गया। जी शुक्रिया। वैसे ये बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? आपको पैसे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? सरमल साहब ये तो दिल के रिश्ते हैं, दिल को दिल से राहत होती है ना। क्या बात है। वैसे शायर ने क्या खूब कहा कि ये कैसे मुमकिन है हम नशीनों कि दिल को दिल की खबर ना पहुंचे, उन्हें भी हम याद आते होंगे कि जिन्हें हम याद कर रहे हैं। अब आप ही को याद कर रहे थे। जय हिंद। अरे कैसे हो मेरे पहलवान, कैसे हो? क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप कैसे हो? बस दुआ आपकी। और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है जी जो आप आए। आप देखिए आने की असली वजह बता दीजिए ना। तो तुमसे मिलने ना आई है? हाँ बिल्कुल। हाँ मुझसे मिलने आए हैं? तुमसे मिलने भी नहीं, मैं तो बिरयानी मुझसे भी मिलने ना आया। बिल्कुल नहीं। चलो भाई यूं ही रही। अभी सुन जी, आप लोग तब तक बात करो। अली माँ साहब के लिए पानी ले आ। जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ। मैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सैमल साहब ऊपर बैठो, ठीक से बैठो। आज तो हमारे नसीब खुल गए सैमल साहब। सैमल साहब क्या बताऊँ सैमल साहब, सरमुल साहब अगर आप हमारी जिंदगी में ना आते तो इसका अली का क्या होता? अच्छा होता, अच्छा ही होता। आपका अली बहुत मेहनती है। हाँ सरमुल साहब, बस अब मुझे वो दिन मेरे जहन से निकलता ना, जब मस्जिद के सामने मैंने आपसे वो बेतलबी करी। ओह सरमुल साहब, बस पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं सरमुल साहब क्या था कि मैं उस वक्त आपको अपना दुश्मन समझ रहा था। ऐसा होता है, ऐसा होता है, कभी कभार इंसान समझ नहीं पाता। बताओ जो जो आदमी मेरा भला सोच रहा, मेरे बच्चे की जिंदगी बनाने की सोच रहा, हमारे घर को खड़ा करने की सोच रहा, और मैं उसे अपना दुश्मन समझ रहा हूँ। देखो मैं तो अपने आप को सारी जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, पर आप इस अहमद को बख्श दो, माफ कर दो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपकी हिम्मत अफजाई का नतीजा है कि अली यहाँ तक पहुँच पाया है। अब देखिए बिरयानी भी पहुँच पा रही है। अरे लाओ भाई, लाओ फटाफट लाओ भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है अली। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बिरयानी है। वाह 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 अली, पता चला कि आपकी सेहत का राज क्या है, आपकी अम्मी की बनाई हुई बिरयानी। सरमल साहब अब एक साल पहले ही वो अली वेल्डिंग की दुकान पे बैठ के हाथ काले करे कर था, और आज देखो क्या बन गया, आपकी बदौलत। देखिए मेरे दोस्त, वेल्डिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, ना पढ़ना बुरी बात है। आदमी को खूब पढ़ना चाहिए, खूब लिखना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी करे वो। जिंदगी में कोई काम अगर तबीयत से किया जाए तो हमेशा अच्छा होता है, समझे? सैमुल साहब अब मैं इसे हाथ काले नहीं करने दूंगा, अब तो मैं इसे कोई और ही बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। कहाँ बनाओ जी, बेशक बनाओ, एक दिन ये आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये आप दोनों की तरबियत का नतीजा है कि अली इतना मेहनती है। बस आप ही की दुआ है जी, और ऐसे ही अपना हाथ ना इसके सर पे रखियो, और आप जैसे उस्तादों का हाथ इसके सर पे रहेगा ना तो देख लेना, एक दिन यो भी अंग्रेजी में गिटर पिटर करेगा। वैसे अंग्रेजी में गिटर पिटर करना और अच्छा इंसान बनना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब तुम ज्यादा गिटर पिटर मत करो। ये बिरयानी लाजवाब है। ऐसी बिरयानी किसी को अमेरिका में भी कहाँ नसीब होगी। तो फिर और लीजिए। मैंने खीर भी बनाई है जी। खीर भी है? मैं वो अभी लेके आऊँ। पेट भर गया, नियत नहीं भरी। खीर तो खानी पड़ेगी साहब। बस 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 लीजिए ना, और लीजिए। बस बस एक बात है, एक राज की बात मुझे पता चल गई है। अली ने मुझे बताया
आप गाते हैं बहुत। अरे छोड़िए सैमुअल साहब, छोड़िए जी, छोड़िए ना साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। देख हम ये खाते रहेंगे लेकिन आप भाव मत खाइए। अरे तुम भी अब बहुत अच्छा गाओ जी। अरे चुप रहो, बेगम की बात को आप टाल नहीं सकते। हो जाए इरशाद इरशाद इरशाद, सूफी वाला गाना सुना। शर्माइए मत सैमुअल साहब, क्या है जी सुनाता हूँ। एक दोस्त है हमारे, वो बस वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो दुनिया के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि जी रौनक मेले रह जाएंगे, पीछे तेरे बंदे क्या बात है, रोजे महशर अल्लाह होगा, रोजे महशर अल्लाह होगा, और तू होगा बंदे। अरे तुम रेडी 1 2 3। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजार दिन, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजार दिन। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। जिंदगी नाम है कुछ नगमों का, कुछ महकते हुए नूरानी सुरीले नगमे, जो जगमग जगमग रातों में धड़कन बनकर बज उठते हैं।